हाय फ्रेंड्स, सरसला कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ही काम से 3 रेसिपीज, हलवे की फेनी, हलवे की पूरी, हलवे की बर्फी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और टेस्टी, बहुत डिलीशियस और बहुत यम्मी बनते हैं हलवे की फेनी, हलवे की पूरी। 4-5 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में करेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 kg चने की दाल और 1-2 ग्लास पानी डालकर कुकर में गला लिया। 1/2 किलो कोकोनट पाउडर, 7-8 इलायची, 1/2 शक्कर को आपके हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम इन सबको, चने की दाल भी गल गई है, अब हम इन सबको मिक्स करके एक दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इन सबको पीस लेंगे। चलिए पीस पीस कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। चने की दाल, कोकोनट पाउडर, शुगर, मैंने 1 किलो शुगर यूज़ किया है, इलायची, सब थोड़ा सा दूध डालकर इस तरह से पीस पीस के पूरा एक ही बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके उसको मीडियम फ्लेम में स्टोव पर रख देंगे। हम इसको हलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से दाग लग जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल देंगे, इससे क्या है ना, हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है। चलिए कम से कम अब 1/2 घंटा लगेगा पकने के लिए। इसको हलाते रहेंगे क्योंकि चने की दाल और कोकोनट दोनों भी बहुत जल्दी दाग लगते हैं, इसलिए हलाते रहिएगा। हम इसको थोड़ी थोड़ी देर ढक देंगे, नहीं तो हाथ पे बहुत बुरी तरह से उड़ता है वो। देखिए हाथ पे बहुत बुरी तरह से जलता है, इसलिए हम ढकते रहेंगे, फिर से हलाएंगे और फिर से ढकेंगे। थोड़ी देर तक उड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा घट होने पर उड़ना बंद हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा 1/2 किलो खोया डाल देंगे, इससे क्या है ना, टेस्ट और भी बढ़िया आता है। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हलवे को कितना अच्छा आप पकाएंगे उतने दिन तक रहेगा, कम से कम 8 दिन तक तो रहेगा ज़रूर, लेकिन हम ज़्यादा पकाना चाहिए, लेकिन थोड़ा पकाने से 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। हमारा हलवा घट होने आ रहा है, इसको और भी पकाएंगे हम। खुशबू तो बहुत बढ़िया रही है। कोकोनट पाउडर ना हो तो आप नारियल पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है। नारियल से ज़्यादा कोकोनट पाउडर की हलवा बहुत अच्छा बनता है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है और बहुत दिन तक रहता है। कोकोनट पाउडर से टाइम भी बच जाता है, क्विक हलवा बन जाता है, ज़्यादा काम नहीं लगता। हम हलवा पकने रखे कम से कम 1/2 घंटा हो रहा है और फिर से 5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा हलवा फुला हो जाए। देखिए इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया बना है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो चीले के साथ, रोटी के साथ इस तरह से हलवा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारा हलवा तैयार है। हलवा पकने के लिए 35 मिनट लगे हैं। चलिए हलवा तैयार है, उसको ठंडा होने देते हैं।
तब तक हम पूरी और फेनी के लिए आटा कला लेंगे। आधा किलो आटा, मैदा, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा घी, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको हम आटे को मल लेंगे। देखिए हमने आटे को गला लिया। अब हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे इस तरह से, देखिए इतने से, थोड़ा रोटी से थोड़े छोटे इस तरह से बना लिया। अब हम इसको थोड़ा सूखा मैदा डालकर उसको रोटी को बेल लेंगे। चलिए बेल लिया। अब हम एक सेट पे हलवा रखेंगे, उसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, एक तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कराएंगे। अब हम नाखून की मदद से इस तरह से चुमटी काट काट के नक्श बना लेंगे इस तरह का डिज़ाइन, देखिए इस तरह से दोनों नाखून की मदद से। देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैंने पहले ही ऑयल को गर्म रख दिया था। अब हम उसमें हलवे की पूरी डालकर धीरे धीरे से तलेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक तलेंगे। अब हम उसको धीरे से पलट लेंगे। चलिए पलट लिया, उस तरफ भी तल लेंगे। इस तरह से हम पूरे पूरी को तल लेंगे। देखिए कलर भी कितना अच्छा रहा है, देखिए कितनी ज़बरदस्त पूरी बनी है। ऊपर का पापड़ भी क्रिस्पी बना है, बहुत अच्छी बनी है। इसी तरह पूरे पूरी को तल लेंगे। अभी इसी तरह से हलवे की पूरी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। चलिए हमने हलवे की पूरी, पूरे हलवे की पूरी तल लिया। देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने टेस्टी बने हैं। पुर के फाते हमें भी बनाते हैं, शादियों में बनाते हैं। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत आसान बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ऊपर का पापड़ भी बहुत दिन तक अच्छी तरह से क्रिस्पी ही रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा, बहुत मज़ेदार के बनते हैं। चलिए अब उसी आटे से हलवे की फेनी बनाएंगे। हमने पहले ही 5 रोटी बेल ली है। थोड़ा सा आटा डालेंगे, उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे, उसके ऊपर बटर को इस तरह से लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा छीनेंगे, मैदा, उसके ऊपर फिर से एक रोटी रखेंगे। फिर से बटर लगाएंगे, फिर से आटा छीनेंगे, मैदा, और फिर से रोटी डालेंगे। इसी तरह से 5 रोटी को भी बटर, थोड़ा सा मैदा छिनक छिनक के हम इसी तरह से कर लेंगे। चलिए बटर को हमने अच्छी तरह से लगा लिया। अब हम इसको इसी तरह से काट लेंगे, उसके बाद पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। चलिए हमारा फेनी का पेड़ा तैयार है। इसी तरह हम पूरे पेड़े बना लेंगे। चलिए हमने पेड़े बना लिया, उसको थोड़ा सा प्रेस करके अब हम थोड़ा मैदा डाल के
उसको छोटे छोटे पूरी की तरह बेल लेंगे, इसी तरह से। ऑयल तो गर्म है, उसमें डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे, उसको थोड़ा सा इसी तरह से हम तल लेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक तल लेंगे। चलिए, हमारी फेनी ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी भी हो गई है, अब हम उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से पूरे फेनी को तल लेंगे। चलिए, हमने पूरे फेनी को तल लिया। अब हम एक फेनी लेंगे, उसके ऊपर हलवा लगाएंगे। एक स्पून की मदद से इसी तरह हम हलवा लगा लेंगे। चलिए, हमने लगा लिया। मैंने बटर पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसके ऊपर इस तरह से रख के उसको पलट लेंगे। फिर से ऊपर से हम हलवा लगाएंगे। चलिए, हमने हलवा लगा लिया, इसी तरह से पूरे फेनी कर लेंगे। चलिए, हमने पूरे फेनी को हलवा लगा लिया। देखिए कितने यम्मी, कितने टेस्टी लग रहे हैं। ऊपर से थोड़े काजू बादाम लगा देंगे इसी तरह से। देखिए, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में तो टेस्ट लाजवाब, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, हमारे पास और भी थोड़ा हलवा बच गया है, उसको इस तरह से घी लगाकर हम हलवे को इस तरह से मल लेंगे। चलिए, इसको अच्छी तरह से मल के हमने स्मूथ कर लिया, उसको गोल गोल लोई बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे बेल लेंगे। देखिए, हमने बेल लिया, अब हम उसको काट के बर्फी का शेप काट लेंगे। चलिए, हमारी हलवा बर्फी भी तैयार, बहुत टेस्टी। उसी को भी थोड़े से काजू और बादाम रख के उसको भी डेकोरेट कर देंगे। देखिए, एक ही काम से तीन तीन रेसिपी तैयार। एक दिन का काम सिर्फ एक दो घंटे, एक घंटे में बन जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे रेसिपीज आपको अच्छे लगे और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे एक ही काम में तीन तीन रेसिपीज तैयार हैं, हलवे की पूरी, हलवे की फेनी, हलवे की बर्फी। टेस्टी टेस्टी, बहुत मज़ा आ जाएगा।